आज हम इस लेक्चर में हाफ एडर का थ्योरी और सिमुलेशन समझेंगे। हाफ एडर की यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आप इसका हम थ्योरी समझेंगे और एक ऑनलाइन सिमुलेटर पे इसका हम सिमुलेशन करेंगे। ठीक है, हाफ एडर कुछ सर्किट है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस बॉक्स में कुछ डिजिटल सर्किट है, इसका दो इनपुट है, ये आप इनपुट का नाम दे सकते हो ए और बी। ठीक है, हाफ एडर को आप एच ए से भी बोला जाता है। तो ये आपकी हाफ एडर सर्किट है और इसका काम क्या होता है, सर्किट का ये ए और बी का सम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सम प्रोड्यूस करेगा तो एक आउटपुट आपका ये सम निकलेगा और दूसरा आउटपुट क्या एक निकलेगा, इसमें कैरी भी निकलेगा, क्योंकि अगर वो ओवरफ्लो होने लगेगा तो कैरी निकलेगा। तो सम को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैरी को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि ए और बी के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ए और बी दो इनपुट दे दिया गया। ठीक है, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ए और बी के, ये दो वेरिएबल है तो 2^2 n इज इक्वल टू 2 है, तो 2^2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 4 कॉम्बिनेशन। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या तो दोनों 0-0 हो, दोनों में 0 और 1, और या तो a1 हो b0 हो जाए, और ये या तो दोनों 1 हो जाए। ठीक है, ये आपका इतने कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसका आउटपुट निकालना है कि सम क्या आ जाएगा, सम को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर कैरी क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए सम क्या आएगा, 0-0 को आप सम ऐड करते हैं तो क्या होता है, सम भी 0 आता है और कैरी भी 0 आ जाती है। ठीक है, 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या, सम 1 आ जाएगा और कैरी इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पढ़ा था ना ऑलरेडी बूलियन अलजेब्रा, 0+0 इज इक्वल टू 0, 0+1 इज इक्वल टू 1, 1+1 इज इक्वल टू 0 और कैरी चला गया था 1 ना, तो वही चीज़ यहाँ पे, तो 1+0 यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 और 0 यहाँ पे, 1+1 क्या हो जाएगा, इस सम पार्ट 0 हो जाएगा और जो कैरी है, कैरी आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ एडर का ट्रुथ टेबल हो गया। तो अब इससे हम एक्सप्रेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसका एक्सप्रेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो समेशन है एस ये वाला, तो जहाँ पे जो जो 1 है वो वाला टर्म्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पे 1 है और इस पे 1 है, तो ये कौन सा टर्म है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए बार बी। ठीक है, ये आपका हो गया ए बार बी। फिर ये वाला दूसरा वाला जो टर्म क्या है, ए बी बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बी बार। अब आप इसको देख रहे होगे, अगर आप गेट्स के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो ये क्या है, ए एक्स और, ठीक है, ए एक्स और बी, करेक्ट। तो ये हो गया आपका सम का एक्सप्रेशन। फिर आप यहाँ पे देखोगे कैरी के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, कैरी के लिए एक ही 1 ये वाला ही है, तो आपको ये वाला टर्म ले लेना, कैरी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी या ए डॉट बी। ठीक है, तो ये आपका सम हो गया और कैरी हो गया। अब इसी चीज़ को हमको सिमुलेशन, ऑनलाइन सिमुलेशन है जो, उस पर करके चेक कर लेते हैं कि ये इस तरीके का आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हमने हाफ एडर की ये सर्किट है, ए और बी इनपुट है, सम है, कैरी है, इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया। 0-1 सम का एक्सप्रेशन आ गया, कैरी का एक्सप्रेशन आ गया, फिर आपको सम का एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया, कैरी। अब इसका हम यहाँ पे सिमुलेशन कर लेते हैं। सिमुलेशन यहाँ पे हम circuitverse.org एक सिमुलेटर है, इस पे हम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से हम गेट्स ले लेते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सर्किट एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, आपको यहाँ पे हम सर्किट बना के देखते हैं, फिर उसको हम सिमुलेटर पे ड्रॉ कर लेंगे। आपको यहाँ पे दो इनपुट दिया रहेगा, ए और बी दो इनपुट दिया रहेगा, फिर आपको इसी से समेशन और वो जनरेट। तो पहले आपको समेशन के लिए ए एक्स और बी लगाना होगा। ठीक है, तो आपने दो इनपुट यहाँ पे ले लिया, एक्स और गेट इस तरीके से होता है आपका, एक्स और गेट। ठीक है, तो ये आपका समेशन हो गया, ये हो गया ए एक्स और बी, एक्स और को इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है।
और कैरी क्या होगा, कैरी आपको ए और बी का एंड लेना है, ठीक है। ये ले लिया आपने, फिर यहाँ पे ये लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने एक एंड गेट लगा दिया, ठीक है। ये आपका आ गया कैरी, आ गया कैरी क्या है ए डॉट बी। इस तरह का ये सर्किट आपको अब सिमुलेटर पर ड्रॉ करनी है। फिर हम यहाँ पे वापस सिमुलेटर पे आ जाते हैं, गेट ले लेते हैं, हमको एक्सॉर गेट चाहिए, तो ये वाला एक्सॉर गेट है, इसको हमने ले लिया यहाँ पे, ओके। और फिर एक हमको कैरी के लिए एंड गेट चाहिए, एक एंड गेट भी ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनपुट दो ले लेते हैं, यहाँ पे इनपुट में आपको ऑप्शन दिया गया, तो ये इनपुट है, यहाँ पे आप 1010 अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इनपुट यहाँ पे हमने लगा लिया, ठीक है। तो ये आपका ए और बी इनपुट है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ए और बी इनपुट को आप अपने गेट से कनेक्ट कर दीजिए, एक्सॉर गेट से कनेक्ट हो गया। इसी तरह आपको इस एंड गेट से भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ से आप इसको एंड गेट से भी कनेक्ट कर दीजिए, ओके। ये हो गया। फिर अब आपको आउटपुट लेना है, तो आप आउटपुट पे यहाँ चले जाइए, ये आपके आउटपुट होते हैं, ये आपका जो है वो आउटपुट सम बताएगा, और यहाँ पे आपका ये जो आउटपुट है वो कैरी बताएगा, ठीक है। फिर इसको भी आप कनेक्ट कर दो ऐसे, इसको भी आप कनेक्ट कर दो ऐसे। तो ये आपकी जो सर्किट है, ये हाफ एडर की सर्किट आपकी बनी। अब आपको अपने ट्रुथ टेबल में आपने जो वेरियस वैल्यू रखी है, पहले आप 0 0 कर दो, देखते हैं फिर क्या आता है। यहाँ पे 0 0 रख दिया, तो सम भी, ये सम भी 0 और कैरी भी 0 आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे सम भी आप देखोगे 0 आ रहा है, कैरी भी 0 आ रहा है, तो आपका ये वाला फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। फिर एक को 0 दूसरे को 1, तो आपका सम 1 कैरी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक को 1 कर दिया, दूसरे को 0 कर दिया, तो आप यहाँ देख रहे हो सम जो पार्ट है 1 हो गया, कैरी पार्ट है वो 0 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में आपको एक को 1 दूसरे को 0, इसमें भी सेम आपका दिखेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो फिर अगेन आप 1 होते, सम देखिए इसका 1 आ रहा है, कैरी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक। लास्ट में आपने दोनों को 1 करना है, फिर देखना है सम में 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, तो फिर आपने दोनों 1 कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सम आपका जो 0 हो गया और कैरी 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे हाफ एडर का जो ट्रुथ टेबल से आपने जो सर्किट को रियलाइज़ किया था, आपने यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेशन के ज़रिए आप इसको चेक भी कर लिए, ओके।